महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ आता है। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद अब फडणवीस की पत्नी अमृता ने शिवसेना के दोहरे चरित्र को उजागर किया है। कैसे अमृता ने उद्धव ठाकरे पर किया हमला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। पुराने दोस्त अचानक दुश्मन बन जाते हैं तो सालों की दुश्मनी भूलकर दोस्त बन जाते हैं। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सालों पुरानी भाजपा शिवसेना की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई है और दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने शिवसेना के खिलाफ ट्विटर वॉर शुरू कर दिया है। उन्होंने शिवसेना को पाखंडी कह दिया, जिसके बाद कांग्रेस से शिवसेना में पहुंची प्रियंका चतुर्वेदी को बुरा लग गया। दरअसल औरंगाबाद में बालासाहेब ठाकरे मेमोरियल बनाया जा रहा है। इसे बनाने के लिए 1000 पेड़ काटे जा रहे हैं। इसकी अनुमति शिवसेना की सरकार ने दे दी है। इसी के ऊपर निशाना साधते हुए अमृता ने ट्वीट किया, पाखंड एक बीमारी है, शिवसेना के जल्द ठीक होने की उम्मीद करती हूँ। अपनी सुविधा के अनुसार पेड़ काटना या केवल कमीशन के लिए पेड़ काटने की अनुमति देना अक्षम्य है। अमृता के ट्वीट का जवाब देने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी सामने आ गई। ये वही प्रियंका चतुर्वेदी हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया और अब शिवसेना और कांग्रेस एक साथ आ गई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, अनिवार्य रूप से झूठ बोलना बड़ी बीमारी है, जल्द ठीक होइए। वृक्ष काटने के लिए कमीशन महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं द्वारा प्रैक्टिस की जाने वाली नई पॉलिसी है। बता दें कि मुंबई में आ रही कॉलोनी मेट्रो शेड के काम पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था, मैंने आरे कार शेड के काम पर रोक लगा दी, अगले नोटिस तक एक भी पत्ता नहीं काटा जाएगा। दरअसल मेट्रो कार शेड निर्माण के लिए आरे में करीब 2000 पेड़ को काट दिया गया था। इसे लेकर कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने पर रोक लगाई थी। उस समय भी शिवसेना ने आरे कॉलोनी के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ बयान दिए, लेकिन पेड़ काटे जाने वाले दूसरे कई मामलों में शिवसेना का रुख अलग ही दिखाई दे रहा है। इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने शिवसेना के ऊपर हमला किया। उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के दोहरे चरित्र के बारे में ट्वीट किया, जिसके कारण प्रियंका चतुर्वेदी को बुरा लग गया। प्रियंका चतुर्वेदी नई नई शिव सैनिक बनी है, उन्हें भी अपनी वफादारी साबित करने का मौका चाहिए था, इसीलिए उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर उद्धव ठाकरे के समर्थन में ट्वीट कर दिया। महाराष्ट्र का सियासी संघर्ष अब ट्विटर तक पहुंच गया है। प्रियंका चतुर्वेदी और अमृता की ट्विटर वॉर में अभी और लोग जुड़ेंगे और उसके बाद ये जंग सालों तक चलती रहेगी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।